हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं खुद 7 साल से शादीशुदा हूं। मुझे पता है कि शादी के बाद, खास तौर से बच्चा होने के बाद, रेगुलर सेक्स लाइफ में सेक्सुअली इन्वॉल्व होना फ्रीक्वेंटली और आराम से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी बच्चे उठ जाते हैं, कभी माँ बाप आ जाते हैं, कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है, कभी खुद का घर दूसरे दखल कर लेते हैं, कभी अनचाहे मोमेंट पे अपना औजार खड़ा हो जाता है, कभी ड्यूटी तो कभी समय की तंगी। बहुत सी चीज़ें हमें अफेक्ट करता है। बट क्या इसके चलते हम अपने सेक्स लाइफ को ख़राब करें, क्या इसको करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्लेजर देता है, हमारी बॉडी ऑर्गेन को रिपेयर करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है और साथ ही साथ पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट करता है। कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए भाई, एक अटेम्प्ट से अगर प्यार भरा अटेम्प्ट होना, तो बड़ी से बड़ी झगड़े वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। तो इसीलिए झटपट इनकी क्विकी कैसे करें, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो टिप आपके लिए है ना, वो है आपके कपड़े। भले ही कितना भी आपके पास वक्त कम हो, कितना भी जल्दी आप कपड़े उतारो, बट ऐसा नहीं है ना कि उतारो ही मत, घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ। टेक्निक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए भाई। उठाने की क्या ज़रूरत है, हटा के भी तो कर सकते हो ना। क्योंकि जब आप स्किन टू स्किन टच करते हो ना, रब करते हो ना, तो उसका जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इससे सेंसेशन बहुत अच्छी तरीके से पैदा होती है और फीमेल पार्टनर बहुत ही जल्दी उत्तेजित होने में सफल होता है। पर जो भी करो, जैसे भी करो, सबसे पहले कुंडी देना मत बोलो। क्योंकि क्विक ही टाइम में क्या होता है ना, मान लो कि दोपहर के में आप कर रहे हो, शाम के टाइम पे कर रहे हो, या अर्ली नाइट को कर रहे हो, जहाँ पे अभी आपके सोने की बारी ही है, आपका बच्चा अचानक रूम में आ जाए, बच्चे बड़े हो या छोटे हो, उसके सामने इंप्रेशन खराब होती है, तो कुंडी देना मत बोलो। अगला जो चीज़ आपको करनी है ना, कि अगर आपको झटपट करनी है, यानी कि आपके पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी, तो आप उस पोजीशन को ट्राई करो जिसमें आप पेनिट्रेट डीप कर सकते हो। यानी कि आपने मिशनरी पोजीशन को ट्राई किया, बट ऐसे ट्राई किया जहाँ पे आपके फीमेल पार्टनर को मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे ही फीमेल पार्टनर को ना पेनिट्रेशन से मज़ा कम ही आता है, पर जैसे कि आपके पास वक्त कम है और फोरप्ले में भी आपने वक्त कम दिया है, तो ऐसे पोजीशन को ट्राई करो जहाँ पे पेनिट्रेशन डीप हो। एज लाइक के आप टेबल ऑन टॉप पोजीशन को ट्राई कर सकते हो, आप मिशनरी पोजीशन के अलग वेरिएशन को ट्राई कर सकते हो, आप डॉगी स्टाइल को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा पोजीशन जिसमें डीप पेनिट्रेशन होता है। डीप पेनिट्रेशन के थ्रू आप भी अच्छे तरीके से फील कर पाते हो और आपकी फीमेल पार्टनर भी अच्छी तरीके से ऑर्गेज्म को अचीव कर पाती है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं स्टेमिना स्टैंड की दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, आपका जल्दी गिर जाता है, या फिर आपको शिकायत है इरेक्शन को होल्ड करने की, इन दैट केस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे झटपट चलो या लंबे समय से करो, दोनों ही ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाते हो, खास तौर से फीमेल पार्टनर। एंड इन दैट केस मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई ऐसा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लो जो आपके बॉडी को रिपेयर करते हुए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए, आपके जल्दी गिरने की समस्या हो या लो टेस्टोस्टेरोन हो या स्टेमिना की दिक्कत हो, उसको रिकवर करता है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रीनिश जोश प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, मैं अपने चैनल पर जो भी आपको सजेस्ट करती हूँ वो आयुर्वेदिक होती है, सेफ होती है, विदाउट साइड इफेक्ट आपके बॉडी में काम करता है। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें से खास अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और गोक्षुरा है, जो बहुत ही तेज़ी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे नेचुरली आपकी स्टेमिना स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, आपके अंदर जो स्पर्म क्वालिटी होती है उसमें काफ़ी सुधार आता है। और सबसे बढ़िया बात कि अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, उसमें भी ये काफ़ी आपको मदद करता है रिकवर करने में। ये एक प्रीमियम सप्लीमेंट है, इसको लेने का कोई झंझट नहीं है। गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आपको दिन में 2 बार लेने होते हैं। जो भी डिटेल्स है वो आपको इसके पैकेजिंग में दिख जाएगी। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, एटलीस्ट एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, किस करना मत भूलो। जितना अच्छे तरीके से किस करोगे, उतना जल्दी अंदर डाल पाओगे। बात मेरी सुनने में बहुत अजीब लग रही है, ये ऋतु क्या बोल रही है, बट मैं प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ। किस एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए बहुत ही जल्दी दोनों पार्टनर ही गर्म हो जाते हैं। इसीलिए फीमेल ल्यूब पास करना शुरू करती है, फीमेल ल्यूब का पास करना शुरू करती है, मतलब उसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है
और बहुत ही आराम से आप पेनिट्रेट कर सकते हो। और चाहे क्विक सेक्स आप कितने भी क्विक तरीके से करो, पर एक चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किस कर रहे हो, जब आप उसके कपड़े उतार रहे हो, जब आप उसको फोपले, थोड़ा बहुत फोपले तो ज़रूरी है ना, किसी भी मोमेंट पे एक चीज़ टेस्ट कर लो कि उसकी लियू पास हुई है कि नहीं हुई है, बिकॉज लियू पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फीमेल लियू पास नहीं करती ना, तो उसको पेन होता है, अनकम्फर्टेबल फील होती है, और उस केस में फीमेल नेक्स्ट टाइम आपको रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए थोड़ा सा चेक करके ही देख लो, हाथ से थोड़ा सा टेस्ट कर लो, इससे फीमेल पार्टनर की जो वजाइना है वो भी स्टिमुलेट हो जाएगी और आपका चेक भी हो जाएगा कि वो वेट हुई है कि नहीं है। अगर वो वेट हुई है दैट मीन्स वो प्रिपेयर हो रही है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड नाउ आप जा सकते हो पेनिट्रेशन के लिए। अगर वेट नहीं हुई है इसका मतलब कि वो प्रिपेयर नहीं हो रही है, और एक महीना वक्त दे दो और अच्छे तरीके से स्टिमुलेट कर लो, ब्रेस्ट को सक कर लो, ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर लो, विजाइना को टच कर लो, क्लिट को स्टिमुलेट कर लो। जब तक वेट नहीं होती है पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड डू सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे नाम से ढेरों अकाउंट्स हैं, उस पे मत जाना। मेरा अकाउंट जो है वो बिल्कुल नया है। फेसबुक पे भी रितु की डायरी 93 इज़ माई फेसबुक अकाउंट एंड रितु की डायरी 93 इज़ माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय।